मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 चैप्टर 2 मैथ्स एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रही हूँ. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड ए पार्ट है 1/4 ऑफ 1/4, बी 3/5 और सी है 4/3. तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है 1/4 ऑफ 1/4. ठीक है, देखो 1/4 और ए पार्ट में क्या 1/4 है ना, इसलिए मैंने लिया. तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 1/4 ऑफ मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई 1/4, 1 जा 1, 4 जा 16. तो ये आपका आंसर है. ओके, चलिए इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं. सेकेंड पार्ट है 1/4 इंटू 3/5. 3/5 तो 1 जा 3, 4/5 जा 20. ओके, तो आपका आंसर आ गया 3/20. इसके सी पार्ट को करते हैं. सी पार्ट है 1/4 इंटू 4/3. आप चाहे तो ऑफ लिख के भी कर सकते हैं. 1/4 जा 4, 4/3 जा 12. तो ये आपका आंसर आ चुका. ठीक है, अब चलिए इसके सेकेंड पार्ट को बच्चों सॉल्व करते हैं. सेकेंड का ए पार्ट 1/7 इंटू 2/9. 1 2 जा 2, 7 9 जा 63. ये आपका आंसर है. ओके, अब हम लोग इसका करेंगे बी पार्ट को सॉल्व. 1/7 इंटू बी पार्ट क्या है, 6/5. 1 6 जा 6, 7 5 जा 35. ओके बच्चों, सी पार्ट इसका करते हैं सॉल्व. सी पार्ट क्या है, सी पार्ट देखिए 1/7 इंटू 3/10. ओके, तो 1 3 जा 3, 7 10 जा 70. ये आपके आंसर्स हैं. ठीक है, अब हम लोग इसके सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. देखिए सेकेंड क्वेश्चन से बच्चों, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल. तो क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन है बच्चों, वो है आपके 2/3 इंटू 2/3. ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसे तो आप 2/3 लिखो और इसे नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो. 2 3 6 2 8, 2 3 6 प्लस 2 8, तो 8/3. ओके, देखो अब ये आपस में कट नहीं सकता क्योंकि सामने सामने नहीं करते, क्रॉस में करते हैं. ठीक है, तो 2 8 जा 16, 3 3 जा 9. डिनोमिनेटर छोटा है ना, जब भी डिनोमिनेटर छोटा हो तो आप डिवाइड कर देना. तो 9 को 16 से डिवाइड दोगे तो 9 बन जाए 9, 7. यानी यहाँ पे 9 रिमाइंडर हमेशा ऊपर लिखते हैं, क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं. तो ये आपका आंसर आ गया. ओके, अब इसके हम लोग सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे. देखो सेकेंड पार्ट का जो क्वेश्चन है, 2/7 इंटू 7/9. देखो 7 7 कट जाएगा ना, 7 के 7 टेबल में, तो अब हमारे पास क्या बच चुका है, 2/9. यही आपका आंसर है क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, इस बार वैल्यू लार्जर है डिनोमिनेटर का, तो डिवाइड हम नहीं दे सकते हैं. ओके, अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं. थर्ड पार्ट है बच्चों 3/8 इंटू 6/4. अब ये देखो 2 के टेबल में कट रहे ना, 2 3 जा 2 4 जा, अब नहीं कर सकता. तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16. इसे भी आप डिवाइड नहीं देंगे बिकॉज डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी है. ओके, चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं सॉल्व. फोर्थ पार्ट में बच्चों 9/5 इंटू 3/5. देखो कोई भी नहीं कटेगा ना, तो मल्टीप्लाई कर दो. 9 3 जा 27, 25. ओके, इस बार डिवाइड दोगे क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, स्मॉलेस्ट है ना, तो चलिए डिवाइड दे देते हैं. 25 बन जा 25, 2. तो यहाँ पे पहले आप 25 लिख दो, रिमाइंडर नीचे है उसको ऊपर लिखते हैं, क्वेश्चन की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं. तो आपका आंसर आ चुका है. ओके, अब हम लोग करेंगे फिफ्थ पार्ट को सॉल्व. फिफ्थ पार्ट का आपका क्वेश्चन है 1/3 इंटू 15/8. 1 15 15, 3 8 जा 24. ओके, तो ये चाहे इसको डायरेक्ट कट कर देना, 3 5 जा 15, 5/8 आंसर. ओके, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम
कट कर देंगे जब कट रहा हो वैल्यू। तो सिक्स क्वेश्चन है आपके 11/2 × 3/10, पहले चेक कर लो कट रहे हैं आपस में, नहीं कटेंगे इस बार, तो 33/20, तो 20 से डिवाइड दे देते हैं। ओके 20 बन जा 23। ओके अब कुछ नहीं हो सकता ना, अब इतना ही आंसर आ जाएगा। ओ सॉरी यहाँ पे वन आएंगे, तो इसे आप क्या लिखोगे 20, रिमाइंडर 31। ओके ये आपका आंसर है। अब आपका सेवन पार्ट है आपके, और ये लास्ट है इसका, इंटू 12/7। देखो नहीं कटेगा, कोई भी नहीं कट रहा, 12 4 जा कितना होता है 24, 36, 48 और 5 7 जा 35, तो 35 से डिवाइड दे देते हैं, 35 बन जा 35 31, तो कितना आ गया आपका, यहाँ तो 35 लिखोगे, रिमाइंडर ऊपर लिख दो 13 और 35। ओके तो ये आपके आंसर्स हैं। ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय, टेक केयर, हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है एक मिनट बच्चों, इसको यहाँ पे 1 लिखना, देखो 13 था ना रिमाइंडर, तो ये ऊपर क्वेश्चन 2 यहाँ पे और ये 35, मैं मिस्टेक से लिख दी थी। ओके आई एम सॉरी। ओके बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है वीडियोस को शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। ओके बाय बाय, टेक केयर।